सरकार को गलत जानकारियां देने के आरोप में फतियाबाद डीपीआरओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। बीते दिन फतियाबाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रैली की थी, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने भाजपा सरकार के 10 सालों में हुए कामों को गिनाया, परंतु उन कामों को गिनवाने के दौरान सीएम सैनी ने 7 ऐसे काम गिनवा दिए जो काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। जी हां, सरकार को गलत जानकारियां देने के चलते ना केवल फतियाबाद डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है, बल्कि साथ ही डीसी को मामले की जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। दरअसल रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी अपने काम गिनवा रहे थे, तो वहीं सीएम सैनी ऐसे काम भी गिनवा गए जो काम कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए थे। कांग्रेस के कार्यों का जिक्र होते ही पंडाल में बैठे लोग हैरान रह गए। सीएम ने अपने भाषण के दौरान फुटबॉल अकादमी के बारे में बताया। यह अकादमी गांव दरियापुर में बनी थी। यह अकादमी अशोक तंवर ने सांसद रहते बनवाई थी। इसके अलावा फतियाबाद में मल्टी स्टोरी पार्किंग, नई अनाज मंडी और टोहाना में आईटीआई भी कांग्रेस के समय बनी थी, जिसे अधिकारी की गलती के चलते मुख्यमंत्री नायब सैनी इसे भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कामों में गिनवा गए। फतियाबाद का बस अड्डा आबादी वाले क्षेत्र में आ जाने से भारी भीड़ रहती थी, इससे यातायात जाम रहता था, समस्याएं पैदा होती थी। वह बस अड्डा भी छोटा था, परंतु हमने जिला मुख्यालय के ऊपर जिस प्रकार का बस स्टैंड की आवश्यकता है वो आवश्यकता होनी चाहिए, और इसलिए हमने सेक्टर 5 में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य चल रहा है, वो भी हमने यहाँ पर बनाने का निर्णय वो किया है। और भाइयों, हमने यहाँ पर शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया है। टोहाना में भी नए बस अड्डे का निर्माण हो चुका है, जिस पर 26 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगी है। फतियाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का भाइयों निर्माण किया गया है। फतियाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टहाणा का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। रेलिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है।